Hello and welcome to WeLearn. Today is session number 1, Introduction to Tourism. In this, we are going to cover introduction, scale of global tourism and scale of Indian tourism. So first of all, what is tourism? पहले हम ये समझ लेते हैं कि tourism होता क्या है. The temporary movement of people to destinations outside their normal places of work and residence. यानी कि एक छोटा मूवमेंट, टेम्पररी मूवमेंट जो फिक्स नहीं है, परमानेंट नहीं है, ऐसा एक मूवमेंट जो लोग किसी डेस्टिनेशन तक, किसी जगह तक करते हैं अपने नॉर्मल प्लेसेस ऑफ वर्क एंड रेजिडेंस से हटकर. आपका जो नॉर्मल, जहां आप रोज वर्क के लिए जाते हैं, रोज जो आपका घर है उसे छोड़कर आप कहीं भी बाहर डेस्टिनेशन के लिए किसी भी प्लेस पे जाते हैं, एंड दैट इज फॉर टेम्पररी मूवमेंट, उसे हम टूरिज्म कहते हैं. वहां पर हम जिस भी तरीके की एक्टिविटीज करते हैं उस टाइम रहने के, ड्यूरिंग द स्टे इन दोज डेस्टिनेशंस, और जो भी फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है उनको, लाइक फूड, बेवरेजेस, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन क्रिएटेड टू केटर टू देयर नीड्स आर ऑल टेकन एज टूरिज्म. नाउ आई थिंक द टूरिज्म इज मोर क्लियरर. आजकल हम देखें तो टूरिज्म हैज बीन अ मेजर सोशल फिनोमेना ऑफ द सोसाइटीज ऑल अराउंड. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना बन चुका है हमारी सोसाइटीज में. एक्चुअली इट इज मोटिवेटेड बाय द नेचुरल अर्ज ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग. हर एक ह्यूमन बीइंग जो है उसका एक नेचुरल अर्ज रहता है कि वो बाहर घूमे, नए एक्सपीरियंसेस करे, नए एडवेंचर्स, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, सब चीजें देखे. इट्स अ नेचुरल अर्ज फील्ड बाय एवरी ह्यूमन बीइंग. मोटिवेशंस फॉर टूरिज्म ऑल्सो इंक्लूड सोशल, रिलीजियस एंड बिजनेस इंटरेस्ट. हम कभी कभी इसलिए भी बाहर जाते हैं क्योंकि हो सकता है हम रिलीजियस प्लेस पे कहीं जाना चाहते हैं, या सोशल इंटरेक्शंस के लिए, या फिर एंटरटेनमेंट या बिजनेस इंटरेस्ट के लिए भी हम बाहर जाने के लिए सोचते हैं. वी फील मोटिवेटेड फॉर दैट. आजकल एजुकेशन इतना ज्यादा स्प्रेड हो रहा है, उसकी वजह से भी हम देखें तो लोगों के अंदर ये डिजायर बढ़ रहा है. दे आर फीलिंग मोर, यू नो, मोटिवेटेड हो रहे हैं ज्यादा कि जाने, वो पूरे वर्ल्ड के बारे में जानना चाहते हैं, वो ग्लोब में जो पढ़ते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पे ये प्लेस है, ये कंट्री है, तो दे फील मोर मोटिवेटेड. उनको डिजायर है कि वो जाने, टू नो मोर अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ग्लोब. द बेसिक ह्यूमन थर्स्ट फॉर न्यू एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज हैज बिकम स्ट्रॉन्गर. और इसी वजह से जो बेसिक ह्यूमन थर्स्ट है नए एक्सपीरियंसेस और नॉलेज को लेकर, वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है. और एज कम्युनिकेशन बैरियर्स आर गेटिंग ओवरकम बाय टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, और एयर ट्रांसपोर्ट हो या टूरिस्ट फैसिलिटीज हो, इनमें काफी डेवलपमेंट भी हो रही है, जिसकी वजह से लोग और ज्यादा एनकरेज हो रहे हैं टू वेंचर आउट टू द फॉरेन लैंड्स. तो यही एक मेन कारण है कि टूरिज्म जो मूवमेंट है लोगों का, वो काफी बढ़ता जा रहा है, और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टूरिज्म इम्पॉर्टेंट भी बहुत होता जा रहा है. इनफैक्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस और कम्युनिकेशन के बैरियर्स जो है ओवरकम हो जाने की वजह से लोगों के लिए इजी भी होता जा रहा है, एंड दे हैव एनकरेज इट, हैव दीस ऑल थिंग्स हैव एनकरेज पीपल टू वेंचर आउट टू न्यू फॉरेन लैंड्स. नाउ देयर आर सम एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर टूरिज्म. अगर हम बात करें तो इन सब चीजों की जरूरत है हमें टूरिज्म के लिए. एक्चुअली टूरिज्म इज इम्पॉर्टेंट एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. हम बात करें अगर तो ये एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी प्रोवाइड करता है, यानी कि पैसे बेनिफिट भी रहता है इन मनी एस्पेक्ट, एंड एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है, स्पेशली रिमोट और बैकवर्ड एरियाज में, जहाँ पर मान लीजिए लोग नहीं आते या वहाँ पे इतने कमाई के साधन नहीं है, तो लोगों के लिए एक बेटर एक जरिया रहता है, एक इंस्ट्रूमेंट रहता है जिससे कि वो अपनी कमाई कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाता है. और ये पूरा वेल रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड ओवर में ये देखा गया है कि टूरिज्म जो है वो काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बनता जा रहा है. इट इज द लार्जेस्ट सर्विस इंडस्ट्री ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू. अगर हम देखें तो पूरे वर्ल्ड में अगर हम इसका सर्विस इंडस्ट्री रही, सबसे लार्जेस्ट सर्विस इंडस्ट्री रही है ग्रॉस रेवेन्यू एज वेल एज फॉरन एक्सचेंज अर्निंग्स के मामले में. Tourism can play an important and effective role in achieving the growth with equity objectives which we have set for ourselves. So, एक बहुत ही economic sector है, ये one of the economic sector in India, जिसमें एक potential है कि आगे ये हमेशा बढ़ेगा ही. It will grow at a higher rate and can ensure consequential development of the infrastructure of the destinations, and it has the capacity to capitalize on the country's success इन द सर्विस सेक्टर एंड प्रोवाइड सस्टेनेबल मॉडल्स ऑफ ग्रोथ. और हमने ये देखा है कि आगे इसकी सक्सेस के बहुत सारे एस्पेक्ट्स खुले हैं, पोटेंशियल है इसमें ग्रोथ का फॉर द फ्यूचर सक्सेस. कंट्री की सक्सेस में काफी कैपिटलाइज करेगा, इसमें कैपेसिटी है, एंड इट विल प्रोवाइड सस्टेनेबल मॉडल्स ऑफ ग्रोथ फॉर द कंट्री.
अब कुछ रिक्वायरमेंट्स जो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर ये सब इसकी इम्पोर्टेंस है टूरिज्म की, तो उसके अकॉर्डिंगली कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं इसमें जो हमें चाहिए होती हैं एक्चुअली टूरिज्म को कंडक्ट करने के लिए. फर्स्ट इज टाइम. टाइम की जरूरत होगी कि हम अपने वर्क डेज और आवर्स में से थोड़ा सा चेंज ला सकें, कैलेंडर्स में से हम स्टडी कर सकें एक्चुअली हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं और कब हमारे पास फ्री टाइम है एक्चुअली. वी हैव टू सेपरेट द आवर्स फॉर लेजर एंड सो दैट वी कैन इंक्रीज द अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रैवल. सो फर्स्ट एस्पेक्ट इज टाइम, जहाँ पे अगर हमारे पास टाइम होगा तभी हम, एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है ये टूरिज्म की, अगर हमारे पास टाइम रहता है तो ही हम टूरिज्म को आगे बढ़ावा दे सकते हैं. नेक्स्ट इज मनी. जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया इकोनॉमिक सेक्टर रहा है ये बहुत बड़ा और इसमें काफी पोटेंशियल है हायर रेट पे ग्रो करने का, तो मनी की जरूरत तो है ही है. द मेजोरिटी ऑफ ट्रैवल रिक्वायर्स डिस्क्रिशनरी इनकम. मोस्टली हमें ट्रैवलिंग के केस में डिस्क्रिशनरी इनकम चाहिए. डिस्क्रिशनरी इनकम वो इनकम होती है जो हमारे मॉनिटरी ऑब्लिगेशन के बाद, मान लीजिए हमारे जो भी बेसिक नीड्स हैं, जो भी हमारी मॉनिटरी ऑब्लिगेशन है, फूड हो गया, रेंट हो गया, टैक्सेस, वो देने के बाद जो हमारे पास लेफ्ट ओवर मनी रहता है उसी को हम टूरिज्म पे खर्च कर सकते हैं. बिकॉज हाँ, ऐसा नहीं होगा कि हमें टैक्स पे करने हैं या फूड का अभी लेना बाकी है एंड स्टिल वी आर स्पेंडिंग मनी ऑन टूरिज्म. दिस कैन नॉट बी डन. सो इट कैन बी टेकन, इट रिक्वायर्स अ डिस्क्रिशनरी इनकम इन दैट केस. नेक्स्ट इज मोबिलिटी. इट्स द एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अवेलेबल हैं या नहीं है, कार, बस, प्लेन, ट्रेन और शिप, और वहां तक हम एक्सेस कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. उन डेस्टिनेशन पे जाना ही हम पसंद करते हैं जहां पे हमें इजीली ये सब फैसिलिटीज मिल जाए और हम इजीली वहां पे एक्सेस कर सकें इन ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज को एंड द आवर्स रिक्वायर्ड टू गेट देयर डेस्टिनेशन, क्योंकि हम उसी के अकॉर्डिंगली अपना टाइम भी स्पेंड का सोच के रखते हैं कि हमारा कितना टाइम लगेगा उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. तो मोबिलिटी भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो रिक्वायरमेंट रहती है टूरिज्म के केस में. नेक्स्ट इज मोटिवेशन. अगर लोग मोटिवेटेड होंगे, जाने का मन करेगा, दे फील डिजायर टू गो समवेयर, कि नई नई डेस्टिनेशन को, नए एडवेंचर्स को, न्यू एक्सपीरियंसेस जो है वो एक नेचुरल अर्ज आता है, मोटिवेटेड फील करते हैं तभी वो जाएंगे बाहर. तो मोटिवेशन इज द रीजन पीपल ट्रैवल. अगर वो मोटिवेटेड ही नहीं है कि नहीं ठीक है जो है हम घर पर हैं, इट्स ओके एंड वर्क प्लेस पे जा रहे हैं, इट्स ऑल ओके, वी डू नॉट वॉन्ट टू गो एनीवेयर एल्स, तो वो कभी भी उनका एक नेचुरल अर्ज नहीं आएगा घूमने को लेकर कि उनको नहीं कोई जगह देखनी है, कोई एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, ये सब चीजें एक्चुअली उन्हें मोटिवेट कर रही हैं ताकि वो नई नई प्लेसेस पे जाकर नए लोगों से मिल सके. और मोटिवेशन इंक्लूड सीकिंग नोवेल्टी, एजुकेशन, मीटिंग न्यू पीपल, एडवेंचर और स्ट्रेस रिडक्शन, क्योंकि हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं एक ही काम रोज टीडियस बोरिंग रूटीन करते करते. हम चाहते हैं कि अब हम थोड़ा मोटिवेट होते हैं कि नहीं हम शायद कहीं घूमने जाएंगे तो वी फील रिलैक्स एंड वी कैन इवन रिड्यूस स्ट्रेस. सो नेक्स्ट इज डायमेंशन ऑफ टूरिज्म की हम अगर बात करें तो कुछ डिफरेंट डायमेंशन रहते हैं इसमें. अट्रैक्शन द प्राइमरी मोटिवेशन फॉर ट्रैवलिंग. कुछ वहाँ के मेन अट्रैक्शन को देखकर हमारा मन करता है कि हम वहाँ जाएं. वी फील मोटिवेटेड क्योंकि ये प्राइमरी मोटिवेशन वही रहता है कि वहाँ पे क्या ऐसी चीजें हैं जो देखने लायक हैं, कौन से ऐसे डायमेंशन हैं जो वहाँ पर देखने लायक हैं जिसके लिए हम वो पिकनिक स्पॉट या जो हमारा स्पॉट है वो चूज करते हैं. Actually, it has a potential to stimulate other economic sectors through its backward and forward linkages and cross-sectoral synergies with sectors like agriculture, horticulture, handicrafts, transport, construction. वहाँ पे कुछ नए ऐसे attraction हैं. Poultry हो गई, handicrafts हो गए, horticulture, agriculture, कोई भी नई चीजें हैं जो हमें देखने को motivate होते हैं. Attractions क्या है वो एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशन रहता है. नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ पे जो हैं अवेलेबल उनसे भी हम देखना को उनको वी फील मोटिवेटेड कि वहाँ पे किस किस टाइप की चीज़ें हैं नेचुरल रिसोर्सेज में, अवेलेबिलिटी क्या है, उस केस में हम वहाँ पर जाना पसंद करते हैं. कल्चरल एंड एथनीसिटी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर किस टाइप का कल्चर फॉलो होता है हम उसके बारे में जानना चाहते हैं और ज़्यादा. सो एक्सपेंडिचर ऑन टूरिज्म इंड्यूसेस अ चेन ऑफ ट्रांजैक्शन एक्चुअली requiring the supply of goods and services from these related sectors. And the consumption demand emanating from tourist expenditure also induces more employment and generates a multiplier effect on economy. So, in sab cheezon se paise ki to badhotri hoti hi hai, multiplier effect rehta hai economy pe. As a result, additional income or employment opportunities bhi badh jati hain.
तो हम ये कह सकते हैं कि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है और पॉवर्टी एलिवेशन भी होता है. अब हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअली वहाँ पे अट्रैक्शंस को देखकर जब लोग वहाँ पर जाते हैं, उस जगह को वो देखना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज है, वहाँ की एथनीसिटी या कल्चर को वो देखना चाहते हैं कि एग्जैक्टली वहाँ पे किस टाइप का कल्चर है. मान लीजिए कोई इंडिया में आ रहा है तो यहाँ के कल्चर को वो देखना चाहते हैं कि किस टाइप का फॉलोअप है यहाँ पे, हेरिटेज क्या है हमारे यहाँ, एथनीसिटी क्या है. अपने फैमिली या फ्रेंड्स को मिलने के लिए वो आ सकते हैं. एंटरटेनमेंट, मान लीजिए बॉलीवुड है यहाँ पर तो एंटरटेनमेंट के सोर्सेज क्या है, अम्यूजमेंट पार्क्स हो गए, सिनेमाज हो गए, मॉल्स हो गए, तो ये एंटरटेनमेंट के सोर्सेज हैं. इनको देखने के लिए लोग यहाँ पर आ सकते हैं क्योंकि ये प्राइमरी मोटिवेशंस रहेगा फॉर ट्रैवलिंग. एंड एक्सट्रीम टूरिज्म, जहाँ पे बहुत मजा आएगा, यानी कि हाई एडवेंचर एक्टिविटीज जैसे कि अम्यूजमेंट पार्क्स वगैरह इसमें ले सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे सोर्सेज रहेंगे एडवेंचर, हाई एडवेंचर एक्टिविटीज के, और वो काफ़ी इंजॉयमेंट उनको चाहिए एंड दे वांट डिफरेंट स्ट्रेस रिडक्शन चाहिए, जिस केस में वो इन पिकनिक स्पॉट्स या इन टूरिज्म डेस्टिनेशंस को चूज कर सकते हैं. नाउ फैसिलिटीज, पहला तो उन्होंने ये देखा कि अट्रैक्शंस क्या हैं वहाँ पर. सबसे पहले हम क्यों चूज करते हैं वो पर्टिकुलर प्लेस, क्योंकि सबसे पहली चीज़ हम वहाँ देखते हैं कि वहाँ देखने लायक चीज़ें क्या हैं, वहाँ एंटरटेनमेंट के क्या सोर्सेज हैं, या वहाँ पर कैसा है पूरा कल्चर वगैरह क्या है, तो इसलिए हम वहाँ जाते हैं. सेकेंड इज फैसिलिटीज, वहाँ पे कैसे अवेलेबल हैं. When tourists arrive at attraction, they require facilities to provide services. जब हम किसी भी जगह पर जाते हैं, कहीं भी टूरिस्ट अट्रैक्शन की प्लेसेस पे जाते हैं, तो हम ये देखते हैं चलो ठीक है यहाँ पर ये सब चीजें हैं, बट वॉट आर द अट्रैक्शन के बाद हम ये देखते हैं कि वहाँ पे फैसिलिटीज क्या प्रोवाइडेड है हमें, जैसे कि लॉजिंग, फूड, बेवरेजेस, सपोर्ट सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीजों को हम देखते हैं कि वहाँ पर ये सब चीजें अवेलेबल हैं या नहीं है. बिकॉज टूरिज्म हैज बिकम एन इंस्ट्रूमेंट फॉर सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट, तो एक ह्यूमन डेवलपमेंट का एक सस्टेनेबल सोर्स बन गया, इंस्ट्रूमेंट बन गया. इसलिए एक्चुअली इट एनकरेजेस प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, हेरिटेजेस, प्रॉपर्टीज एंड हेल्प्स द सर्वाइवल ऑफ आर्ट फॉर्म्स एंड क्राफ्ट्स एंड कल्चर. इसलिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि हम ये सब चीज़ों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को या हमारी वहाँ की सपोर्ट सर्विसेज को एंकरेज और प्रिजर्व करके रखें, ताकि लोग बाहर से हमें देखने के लिए आए, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है ऑफ आर इनकम. तो इसीलिए हमें ये देखना चाहिए कि ओवर एक सर्वे के अकॉर्डिंग ओवर 382 मिलियन डोमेस्टिक टूरिस्ट विजिटिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एवरी ईयर रिटर्न विद अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पीपल लिविंग इन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री. अगर वो जाते हैं तो वो मेन उनका जो मोटिव रहता है कि वो अच्छे से जान सकें उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, उनके कल्चर को, तो ये 382 मिलियन लोगों पे डोमेस्टिक टूरिस्ट से ये सर्वे करके देखा गया है कि दे हैव व्हेन दे रिटर्न बैक दे हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पीपल लिविंग इन द डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री एंड दे हैव अ बेटर अप्रिसिएशन ऑफ द कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया. उन्होंने ये भी देखा है कि कल्चरल डाइवर्सिटी को वो कितना ज्यादा जो है प्रेज कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं. एंड इट ऑल्सो इंकरेजेस, हमको ये सोचना पड़ता है यहाँ पे, हम इंकरेज होते हैं इस लेकर कि हमें प्रिजर्व करने चाहिए अपने ऐसे मॉन्यूमेंट्स, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने रोड्स वगैरह को, सब चीज़ों को हमें डेवलप करके रखना चाहिए, ताकि इट हेल्प्स टू इंक्रीज आवर इनकम इन दिस केस. और ये बहुत इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक जरिया है जिससे हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकते हैं, और इसमें काफ़ी पोटेंशियल भी है हमारे हायर रेट को लेकर, टू ग्रो एट अ हायर रेट एंड कैन इंश्योर कॉन्सिक्वेंशियल डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द डेस्टिनेशन. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू पे अटेंशन टू ऑल दीज फैसिलिटीज ऑल्सो, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी चीज़ उन्हें पूरी नहीं मिल पाती है, लॉजिंग, अकोमोडेशन को लेकर, सपोर्ट सर्विसेज को लेकर, ट्रांसपोर्ट्स को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, तो शायद वो चीज़ नहीं सिलेक्ट करेंगे, जिस डेस्टिनेशन को सिलेक्ट नहीं करेंगे. Now there are some scale of global tourism जो आपको बताएगा कि actually according to the World Tourism Organization, ये WTO ने ही हमें कुछ survey हमने देखे हैं उनके, कि the year 2005 saw more than 800 million international tourist arrivals. तो आप देख सकते हैं कि कितना important हमारा इसका day by day हमारा potential बढ़ता जा रहा है global tourism का, जिससे काफी हमें फायदा हो रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड. द ईयर 2005 का अगर हम देखें तो मोर देन 800 मिलियन इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल्स हुए हैं, एंड द टूरिज्म रिसीव्स वर ऑफ द ऑर्डर ऑफ $682 बिलियन. एंड वर्ल्ड ट्रैवल और टूरिज्म काउंसिल फॉर 2006 फोरकास्ट दैट ट्रैवल एंड टूरिज्म विल जनरेट 234 मिलियन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स ऑल्सो.
तो हमने ये देखा है कि वो इतनी जॉब्स भी हमें प्रोवाइड कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड, अकाउंटिंग फॉर अराउंड 8.7% ऑफ द ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट. पूरी एम्प्लॉयमेंट में से 8.7% वो ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं एंड विल कॉन्ट्रीब्यूट अप टू 10.3% ऑफ द ग्लोबल GDP. तो आप समझ सकते हैं कि कितना हमें फायदा हो रहा है इन सब चीजों को लेकर. तो हमें इनको हम एंकरेज हो रहे हैं क्योंकि हमें अप्रिसिएशन मिल रहा है, तो इसलिए हम एंकरेज हो रहे हैं कि हम इन चीजों को बेटर वे पे लेके जाएं, सही ट्रैक पे लेके जाएं. नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन. जैसा कि मैंने आपको बताया कि फैसिलिटीज के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है क्योंकि लोगों को वहाँ पर अगर पूरी सपोर्ट सर्विसेज नहीं मिल पाती हैं फैसिलिटीज, तो वो चीज़ नहीं ऑप्ट करते हैं, वो डेस्टिनेशन नहीं ऑप्ट करते हैं. तो टूरिज्म डेवलपमेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन द ईज ऑफ एक्सेस एंड टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल. तो लोग जब भी सिलेक्ट करते हैं कोई भी डेस्टिनेशन, तो सबसे पहले वो ये भी देखते हैं कि वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अवेलेबल हैं या नहीं है, और वहाँ तक वो इजीली पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे. आप अपने साथ भी एज एन एग्जाम्पल अपने एक्सपीरियंस भी देख सकते हैं. आप कभी भी उस डेस्टिनेशन पे जाना पसंद नहीं करेंगे जहाँ आपको किसी भी तरीके की ट्रांसपोर्टेशन की अवेलेबिलिटी ना हो, कि आपको जहाँ ये हो कि आपको यू हैव टू वॉक अलोन देयर. तो इस सब चीज़ों को आप कभी सिलेक्ट नहीं करेंगे, रादर यू गो फॉर दोस प्लेसेस जहाँ पे आप ईज हो आपको एक्सेस एंड द टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल. नेक्स्ट इज हॉस्पिटेबिलिटी. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है. कम्युनिटीज एटीट्यूड विच परमिएट्स एवरी टूरिज्म लोकेशन दैट मेक्स अ टूरिस्ट फील वेलकम एंड सेफ. क्योंकि जैसा आपने देखा होगा कि आमिर खान ने इस चीज को अतिथि देवो भव की एड में भी उन्होंने दिखाया है कि कम्युनिटी का एटीट्यूड बहुत डिपेंड करता है इस चीज पर कि हम हमारे जो गेस्ट जो बाहर से आए हैं जो हमारे यहाँ पे कंट्री में, अगर हम उन्हें ठीक से एटीट्यूड नहीं प्रोवाइड करते, यानी कि बहुत ईगोइस्टिक रहते हैं, उन्हें एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं किसी भी तरीके से, इफ वी आर नॉट पेइंग अटेंशन टू देम, उनको हम सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, उनका ठीक से वेलकम नहीं कर रहे हैं, तो शायद वो हमारी प्लेस पर आना पसंद नहीं करेंगे. इनफैक्ट वो अपने आगे के जो भी उनके लोग नोन में हैं उनको भी यही बताएंगे कि दिस कंट्री और दिस प्लेस या दिस डेस्टिनेशन इज नॉट गुड फॉर टूरिज्म बिकॉज यहाँ पे कम्युनिटी का एटीट्यूड नहीं है सही. तो आप ये समझ सकते हैं कि कम्युनिटी का एटीट्यूड रियली परमिनेट्स एवरी टूरिज्म लोकेशन एंड मेक्स द टूरिस्ट फील वेलकम एंड सेफ. तो हॉस्पिटैलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. जैसे कि हमारे घर पर कोई भी गेस्ट आते हैं, अगर हम उन्हें ठीक से ट्रीट ना करें तो हाउ दे फील. अगर हम भी किसी घर जाएं इन इफ वी आर नॉट वेलकम प्रॉपरली, तो हमें इंसल्टेड फील होता है. सिमिलर इज द केस विद द हेयर ऑल्सो. अगर हम उनको ठीक से एटीट्यूड नहीं प्रोवाइड करते, कम्युनिटी का एटीट्यूड उनकी तरफ ठीक नहीं है, तो दे फील इंसल्टेड एंड दे विल नॉट फील वेलकम एंड सेफ हेयर. Now, it is also important to note that the tourism has become an instrument for sustainable human development. जैसा कि मैंने आपको बताया कि ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स बनता जा रहा है दिन ब दिन. इसका जो एक इंश्योर करता है कॉन्सिक्वेंशियल डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द डेस्टिनेशन. इवन इसमें कैपेसिटी है टू कैपिटलाइज ऑन द कंट्रीज सक्सेस इन द सर्विस सेक्टर. तो ये हम देख सकते हैं कि ये प्रोवाइड करता है कुछ सस्टेनेबल मॉडल्स ऑफ ग्रोथ. उसमें पॉवर्टी एलिमिनेशन कि पावर्टी हमारी कम हो रही है क्योंकि हमें ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, हम कमाई कर पा रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा अच्छी हो रही है, GDP बढ़ रहा है, तो उस तरीके से ग्रॉस रेवेन्यू में भी हमें फायदा हो रहा है. एंड इवन वी कैन से कि टूरिज्म जो है इट इज बिकम द लार्जेस्ट सर्विस इंडस्ट्री ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू एज वेल एज फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स. इट प्ले एन इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव रोल इन अचीविंग द ग्रोथ विद इक्विटी ऑब्जेक्टिव्स व्हिच वी हैव सेट फॉर आवरसेल्फ. तो वहां पर एनवायरमेंटल रीजनरेशन या जॉब के मामले में, एम्प्लॉयमेंट के मामले में, और अगर वहां पर एडवांसमेंट है वुमेन या और कोई भी ऐसे मिनिमाइज जो ग्रुप्स हैं या जो ऑन द पेरिफ्री हैं, उन ग्रुप्स को अगर हम स्पेशल एडवांसमेंट है वहां पर, तो इस टाइप की चीजें जो है वो हमें मिल रही हैं थ्रू इट इज बिकम एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट फॉर सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट. ये सब चीजें हम धीरे धीरे ओवरकम कर पा रहे हैं इन प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे. तो टूरिज्म हैज बिकम एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट. नाउ सम मोर थिंग्स अबाउट स्केल ऑफ ग्लोबल टूरिज्म. अगर हम देखें तो ट्रैवल एंड टूरिज्म विल जनरेट 234 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स वर्ल्ड वाइड. पूरे वर्ल्ड में इसने बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया है. जैसे कि हम बात कर रहे हैं 234 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स जो हैं जनरेट करता है ट्रैवल टूरिज्म, और वो हमारे ग्लोबल GDP का 10.3% हिस्सा रहा है, कंट्रीब्यूट करता है 10.3%.
So, global travel and tourism activities expected to increase by 4.7% between 2007 and 2016. इस तरीके का हमने कुछ अनुमान लगाया है कि expect कर रहे हैं हम कि 4.7% increase हो जाएगा with between 2007 and 2016. Now, the scale of Indian tourism की अगर हम बात करें after global tourism, तो कुछ इंडियन टूरिज्म के ये स्टैटिस्टिक्स वी आर प्रोवाइडिंग यू, जिसमें आप जान सकते हैं कि इंडिया में भी इसका लेवल काफी इंक्रीज हुआ है. देयर हैज बीन अ रिमार्केबल ग्रोथ एक्चुअली इन द लास्ट 3 इयर्स इन फॉरेन टूरिस्ट अराइवल टू इंडिया ड्यू टू द वेरियस एफर्ट्स मींस, क्योंकि हम पूरी तरीके से अपने एफर्ट्स कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं प्रमोटिंग इंडिया थ्रू द इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन इन ओवरसीज मार्केट्स. आप देख सकते हैं इनक्रेडिबल इंडिया की एड एंड प्रमोटिंग एक्टिविटीज जो हम कर रहे हैं कैंपेनिंग ओवरसीज मार्केट्स में, ताकि हमारा इंडियन टूरिज्म दिन ब दिन तरक्की कर सके, इंक्रीज हो सके. और स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो इट हैज इंक्रीज बाय अराउंड 65% फ्रॉम अ लेवल ऑफ 2.38 मिलियन इन 2002 टू 3.92 मिलियन इन 2005. तो 2.38 मिलियन से 2002 से ये 3.9 मिलियन तक आया है, जिसको हम मान सकते हैं कि 65% इंक्रीज रहा हमारा. एंड टूरिज्म कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी की अगर बात करें तो इट हैज बीन 5.9% इन 2003 to 2004. एंड एम्प्लॉयमेंट इन टूरिज्म सेक्टर बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हैज कंट्रीब्यूटेड टू 41.8 मिलियन इन द सेम ईयर. इसी साल में अगर हम देखें 2003-2004 में, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट से हमें 41.8 मिलियन का मुनाफा हुआ है, इतना बेनिफिट हुआ है हमें इन द सेम ईयर, विच एक्चुअली अकाउंट फॉर 8.78% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री. हमारी पूरी कंट्री की 8.78% टोटल एम्प्लॉयमेंट का वो अकाउंट करता है. तो आप देख सकते हैं कि कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बनता जा रहा है और कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे जीडीपी में भी वो. इट कैन बी प्रूव टू बी द प्रोवर्बियल इंजन ऑफ ग्रोथ फॉर द इकॉनमी. तो अगर हम ये देखें तो एक प्रोवर्बियल इंजन बनता जा रहा है हमारे लिए, हमारी ग्रोथ के लिए इकॉनमी की बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बनता जा रहा है. इसीलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस पर काफी ध्यान दें और इसे दिन ब दिन तरक्की करें, ताकि लोग यहाँ पर भारत से जो है आ सके, फॉरेन लैंड से विजिट करें, और इससे हमारा भी फायदा होगा. सो वी कैन से कि थ्रू द ग्रोथ दो द ग्रोथ इन टूरिज्म इन इंडिया आर इंप्रेसिव, इंडियाज शेयर इन ग्लोबल टूरिस्ट अराइवल्स एंड अर्निंग इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट. फिर भी इंडिया का शेयर जो है ग्लोबल टूरिस्ट अराइवल्स में इतना अच्छा नहीं रहा, जबकि हम अपने इंडिया का देखें तो ये काफी इंप्रेसिव लग रहा है. बट अगर हम इसको शेयर को ग्लोबल टूरिस्ट अराइवल्स के अकॉर्डिंगली और अर्निंग्स के अकॉर्डिंगली स्टडी करें तो इट इज नॉट सिग्निफिकेंट. इट इज यूनिवर्सली एक्नॉलेज दैट द टूरिज्म रिसोर्सेज इन द कंट्री हैव द पोटेंशियल टू जनरेट सिग्निफिकेंटली हायर लेवल्स ऑफ डिमांड फ्रॉम द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल. तो ये देखा गया है कि अगर हम इस टाइप की चीजों को रिसोर्सेज को टूरिज्म रिसोर्सेज को और बढ़ाते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, तो इसमें पोटेंशियल है कि और ज्यादा हायर लेवल पर जा सकता है ये, और ज्यादा डिमांड बढ़ सकती है डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट्स दोनों में. एंड इफ इट इज एक्सप्लॉइटेड इंटेलिजेंटली इन अ सस्टेनेबल मैनर इट कैन प्रूव टू बी द प्रोवर्बियल इंजन ऑफ ग्रोथ फॉर द इकॉनमी. तो अगर हमें और ज्यादा इसे बढ़ाना है एंड इफ वी वांटेड टू बी द प्रोवर्बियल इंजन फॉर द ग्रोथ, हमें इसमें थोड़ा सा ध्यान और देना होगा, ताकि हम और ज्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सके और ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट अराइवल हमारी कंट्री में हो सके. नाउ डू इट योरसेल्फ फॉर यू, व्हाट इज द स्केल ऑफ ग्लोबल टूरिज्म, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द स्केल ऑफ इंडियन टूरिज्म. थैंक यू.